हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं नैना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, बबली एंड बंटी ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ अपनी मासी के घर, और इतना ऊँचे भी रहती है क्या बताऊँ, मेरे तो सांस से फूल गए। और मैं आ जा रही हूँ अपनी एक्टिवा की पूजा कराने मनसा देवी। और पहले तो पूजा हो गई है जैसे आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे फिर से जा रही हूँ पूजा करने। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज धूप एकदम निकली नहीं है। मैं धूप नहीं है आज, ठंडा ठंडा सा मौसम है। और ये बदतमीज देखो क्या कर रही है, छींटे मार रही है मेरे ऊपर, क्योंकि पूजा करने जाना मुझे। और गाइस कमेंट करके बताना कैसे लग रही हूँ आज मैं। ये देखो क्या सीढ़ियों से वहाँ से चिल्ला रही है, वो छोटी है मेरे से, इसलिए इस तरीके से। और अभी नहा चुकी है और अभी तैयार नहीं हुई। अभी देखो अभी मैं इसका क्या हाल करती हूँ घर पे जाके। अभी मैं फाइनल ऊपर आई हूँ, अरे भैया। और अभी हमारे घर में अभी काम ही चल रहा है, हमारी मौसी अब यहाँ कपड़ा धो रही है। अरे मौसी का यार, तुम सब साबुन नाबुन फेंके दे रहो हमें ऊपर। सो गाइस, अपनी सिस्टर को मैंने एक डेढ़ घंटे पहले फोन किया, मैंने बोला इसको तैयार हो जाना। उस टाइम मैं सोकर उठी थी और आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि कंफर्म नहीं था, मौसम खराब था और हम लोग सोच रहे थे कि जाए ना जाए, फिर ऐसा था। फिर हमने कहा चलो आज मंडे है, पूजा कर लेते हैं। गाइस अभी हमारे यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे, अब देख सकते हैं। अभी मैंने ना आईलाइनर नहीं लगाया था, तो मैंने आईलाइनर लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ मेरा जो आईलाइनर जो था वो ख़त्म हो गया है। और अभी मेरी सिस्टर तैयार हो रही है, और अभी क्योंकि वो भी आपको पता है अभी वो नहा कर निकली थी, अब वो तैयार हो रही है। मेरे भी बाल गीले हैं और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बहुत बहुत। और आप लोगों को दिखा देती हूँ मौसम कितना ख़राब है। तो ये मौसम देखिए कितना ख़राब है, धूप भी नहीं निकला और एकदम काला काला सा लग रहा है। तो आज से ठंडियों के टाइम में नहीं होता वैसा सीन हो गया, बूंदी बूंदी भी चालू हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदी हो रही है। तो कोई बात नहीं है, वो तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो भी जाएगा तो क्या है। हम जा रहे हैं मंदिर, वहां पे बहुत जगह है, कहीं भी छुप जाएंगे। तो सो गाइस, अभी मैंने आपको एक्टिवा निकाला, सुबह उठी हूँ 10:30 बजे मैं उठी हूँ। उठने के बाद डायरेक्ट मैं आई हूँ, ब्रश किया है, उसके बाद खाना तो नहीं खाया क्योंकि अभी तक नहीं खाया मैंने, और एक्टिवा की सफाई की। और ये कह रही ठूस के खाया, बताओ ठूस के कोई खाना खा के पूजा करने जाएगा मंदिर इसकी तरह, ठीक है ठूस के जाती है। अभी तो खाना भी नहीं खाया मैंने। हां तो मैंने भी तो नहीं खाया क्योंकि बोल रही है मेरे को, बोल रही है तू मेरे को, ये मुझे बोल रही ठूस के खा लिया। ब्रश किया, उसके बाद एक्टिवा धुली हूं, और सोची थी मैं कल गई थी एजेंसी बट वहां पे मैंने नहीं अपनी गाड़ी धुलवाई, और मैं अभी उसके बाद आएगी सर्विसिंग तब मैं धुलवाऊंगा इसको। अभी मैं धुल के आई हूं फिलहाल, क्योंकि गांव से आई थोड़ा सा नीचे से चक्के चुके में मतलब मिट्टी लगी हुई है, तो वहां थोड़ा धुलना मुश्किल हो रहा था, तो जितना मुझे हुआ तो मैं धुली हूं। अभी गाड़ी नीचे है और अभी मैं देखती हूं कितना टाइम लगता है, उसके बाद मैं जाती हूं। और बहुत तेज की मुझे भूख लगने लगी है गाइस, कितने बज रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं गाइस, ऐलान भी कर रही मैं भूखी हूं, सच में भूखी हूं, बहुत भूख लग रही है। तो क्या करूँ, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, मैं चाय भी नहीं पीऊँ, ऐसे तो चाय पी लेती हूँ तो भूख लगती है, पर चाय भी नहीं पीऊँ। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो मेरे को चिढ़ा रही है वो पीछे से। तो अभी आगे के देखते रहिए, अभी हम आगे के जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मौसम खराब हो रहा है, अभी बूंदी पड़ रही है गाइस। अभी मेरी मासी उधर खाना खा रही है, उनके ऊपर भी बूंदी पड़ रही है, और अभी आगे बने। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मनसा देवी, अभी हम ले रहे हैं प्रसाद, और अभी थोड़ा सा भैया जी दे रहे हैं प्रसाद, और सिस्टर खड़ी है वहाँ पे। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, और मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, और ये जो ई रिक्शा है इसके प्रसाद लेती हूँ, फिर जाती हूँ अंदर दर्शन करने, दर्शन करके फिर प्रसाद ले। सो गाइस अभी हम लोग आगे हैं, बहुत आगे, और अभी मेरी एक्टिवा वहाँ खड़ी है क्योंकि वहीं उन्होंने बोला कि वहीं खड़ा कर दो, यहीं पंडित जी आपको मिल जाएंगे। तो आगे तो अलाउड नहीं है,
तो बाहर ही हम लोगों को पूजा करवाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अपने देख आप देख सकते हो अभी हम लोग मंदिर देवी में सिस्टर ने प्रसाद लेके घूम रही है। तो आज मौसम ने बहुत ख़राब कर दिया क्योंकि आज मंडे था, हमने सोचा कि थोड़ा अच्छा मौसम होगा पर मौसम बहुत डाउन है। पर अभी मुझे लेना है काफ़ी चीज़ें बच्चों के देखने में। तो यहाँ प्रसाद अंदर भी मिलता है जैसे आप लोगों को पता है, अंदर भी प्रसाद मिलता है बट यहाँ पे एक्टिवा अलाउड नहीं है तो हमने बाहर से ले लिया और वहीं पे ही गाड़ी खड़ा कर दी। अभी हम दर्शन करते हैं, उसके बाद जब वहाँ से आएंगे पूजा अपनी एक्टिवा की करवाऊंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कहाँ जाना और क्या करना है। फिलहाल आज मैं एक गुड़िया लूँगी और देखती हूँ कौन सी गुड़िया लेती हूँ। काफ़ी चीज़ें आज यहाँ से लेके जाऊँगी, घूमने आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगी। सो गाइस अभी हम लोग अंदर जाने से पहले हमारे लोगों को टीका लग गया है क्योंकि एक आंटी थी जो होते ना जैसे उनको दान पुण्य करना होता है, तो भी हम लोगों ने भी दे दिया उनको पैसे और हम लोगों को उन्होंने लगा दिया टीका। और मेरी सिस्टर कह रही है शादी शुदा है इसको सिंदूर भी भर दो। मैंने कहा यार अभी मंदिर जा रही हूँ, पहले ही मुझे इतना बड़ा सिंदूर लगा देंगे और अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री हो गए हैं, आप देख सकते हो ये गेट है जो मेन गेट है, यहाँ से हम लोग यहाँ से एंटर हो गए हैं और फिलहाल अभी हम अंदर जा रहे हैं। इसको कितना मज़ा आ रहा है दोस्त, इतना मज़ा आ रहा है इसको। ये कह रही है आंटी को, कह रही आंटी ये शादी शुदा है ना इसको यहाँ से सिंदूर भर दो, बताओ बेइज्जती करवा दी मेरी यहाँ पे। कह रही है ना ठीक है चलो ठीक है, आई होप कि जो मैरिड होते हैं वो सिंदूर भरते हैं, आई एग्री। बट ये ना यहाँ पे कह रही, मैंने बोला नहीं नहीं रहन दो, फिर कह रही कोई बात नहीं है आपकी ना शादी हो जाएगी तब तो सिंदूर भरोगे। हमने कहा नहीं मैं शादी शुदा हूँ पर मैं सिंदूर नहीं भरती हूँ, ये बताओ मेरी यहाँ पे आते ही एंट्री में मेरी बेइज्जती करवाई, बताओ इतनी गंदी है ये, सबसे पहले मेरी इसने बेइज्जती करवा दी यहाँ पे एंट्री। हम लोगों ना थोड़ा सा गलत लाइन पे आ गए, हम लोगों को जाना था इस वाले लाइन पे, हम लोग आगे इस वाले लाइन पे, तो अब हम लोग बैक साइड जा रहे हैं। तो गए सभी जहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ा धूपबत्ती करते थे प्रसाद चढ़ाते थे, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो क्या उन्होंने कर दिया है। तो अभी यहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता और ना ही पूजा कर सकता है। तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी इस तरफ पूजा करने, आप देख सकते हो ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैक साइड में एक मंदिर है वहाँ पे जाकर पूजा करेंगे। तो गाइस बने रहे आप लोग और देखते रह आगे आगे आ जाओ। अभी हम लोग यहाँ पे तो जा रहे थे इस वाले मंदिर पे पूजा करने, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे रील्स बनाने, बट मेरा यहाँ नेट चल नहीं रहा है किसी कारणवश, शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी देर मैं सोची थी कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू होगी, बट नहीं हो रहा है। और अब ये देखिए माता मनसा देवी का कुछ अनाउंसमेंट प्रोग्राम का कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा सा बना हुआ है जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट करना है। और हम लोगों का आज इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, सभी बज गए हैं 2, हम लोग निकले थे घर से 12:30 एंड वहाँ से आते आते हम लोगों आधा घंटा तो हम लोगों को बाहर ही लग गया आते आते। और फिर उसके बाद मंदिर में भीड़ भी बहुत थी, आपने जैसे देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दर्शन करने में भी अभी एक मंदिर और है बस, यहाँ पे करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट होंगे, फिर हम लोग एक्टिवा की पूजा करते हैं। और मेरी सिस्टर ने भी थोड़ा सा एक रील्स बनाया इंस्टाग्राम पे, तो उसके पीछे पड़ी हुई है।
फिलहाल गाइस बहुत ज़्यादा ही सर में दर्द हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 बज गया है, 2 से प्लस हो रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं फाइनली इस वाले मंदिर पे, इस वाले मंदिर पे आए गाइस। और बूंदे पड़ रहे हैं, आज मौसम बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। तो हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं इस मंदिर पे। तो इस तरफ लंगर वगैरह भी मिलता है। अब ये देखो गाइस, मेरा फ़ोन का नेट, आज मेरा फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, 80 रिचार्ज भी नहीं है गाइस। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, घर पे वाईफाई है, घर पे ही हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि इस टाइम घर पे ही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बट अब मुझे बहुत दिक्कत फील हो रही है, क्योंकि बाहर में अगर हम भी ना बना पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फाइनली घर जाने के बाद घर से बनाऊँगी, अपने यहाँ तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया 2-3 दिन से ही, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस बने रहे और हम लोग कर लेते हैं दर्शन, फिर गाइस एंटर होने के बाद थोड़ा दर्शन करते हैं। तो गाइस बने रहे। सो गाइस अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पे उतरना भी नहीं पड़ रहा, इतनी मतलब ढाल है यहाँ पे कि हम ऐसे ही उतरते चले जा रहे हैं। और आज मुझे इतनी हिचकी आ रही, क्योंकि पानी मैंने पिया नहीं, अजीब सी हिचकी आ रही है मेरे को। और सिस्टर भी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा कंकड़ चुभ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम लोग तो आ गए हैं, देख सकते हो अब कितना लंबा रास्ता हम लोग ऐसे ही आए हैं, ना चलना भी नहीं पड़ा, ढलान से नीचे आ गए हम, चले कम है दौड़े ज़्यादा है इसमें। अंजलि इसमें चलना पड़ रहा है कि दौड़ना पड़ रहा है? दौड़ना पड़ रहा है। तो फिलहाल आप लोग पता होगा, जितने मेरे जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जो यहाँ के चंडीगढ़ के होंगे उनको पता होगा, जो मंजा देवी आए होंगे उनको ये ढलान से चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतरते टाइम, वो खुद ही उतर जाते हैं। और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से अब निकल गए हैं, अब थोड़ा सा हम लोग उधर जा रहे हैं, देखते हैं कोई पंडित जी मिले तो हम अपनी एक्टिवा की पूजा करें। और क्योंकि गाइस हम आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-2 बार एक्टिवा की पूजा, तो गाइस पूजा मैंने 2-2 बार इसलिए किया क्योंकि मैंने गांव गई थी एक बार, तो मैंने वहाँ पे मैंने मतलब ये रखा हुआ था कि अगर मैं अपने कमाई से, क्योंकि गाइस आपको पता है मैं जॉब करती थी और मैं अपनी कमाई से ली हूँ एक्टिवा ली हूँ, और उसके बाद गांव में मैंने लिया वहाँ से, तो गांव से लिया और वहीं पे पूजा किया, क्योंकि आपको पता है जब भी एजेंसी से जो भी गाड़ी निकलवाता है तो जब इसके बाद पूजा करता है, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा मान रखा था, तो वो मेरा पूरा हो गया भाई। खुशी होती है गाइस जब अपने मेहनत की कमाई से अगर तो आप कोई चीज़ लेते हो, तो मैंने वहाँ पर भी पूजा किया और यहाँ से भी मैंने किया होता है, और मेरा यहाँ से भी पूरा हुआ, तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। और आज मुझे हिचकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है गाइस, बहुत, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी है, हिचकी बंद ही नहीं हो रही मेरी। अब यहाँ से देखिए आप देख सकते हो ये मेन गेट है मनसा देवी का, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी जाते हैं। फाइनली हम लोग अपनी सेवा की पूजा करते हैं, और बारिश अब देख सकते हैं बूंदे पड़ रही हैं, तो हम लोग जितनी जल्दी हो रही है इतनी जल्दी पूजा करा लेते हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, बारिश होने लगेगा तो फिर हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस सो गाइस हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से चलते दुकानें हैं, तो अभी हम कुछ लेने रहे गाइस, क्योंकि एक्टिवा को पूजा करने के बाद हम फिर जाएंगे और अभी प्रसाद खाने जाएंगे, लंगर खाने जाएंगे, तो हम लोग फिर वो अभी वापसी रिटर्न होते हैं। तो सो
गाइस फाइनली हमारा एक्टिवा हो गया पहुंचा और हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने, क्योंकि गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा भूख और अभी बज रहे हैं 3 और टाइम का पता ही नहीं चल रहा गाइस, मौसम ख़राब है ना इस वजह से नहीं पता चल रहा। सिस्टर मेरी आगे आगे जा रही है और मैं पीछे पीछे, और हम लोगों को देखो आज टीके पे टीके लग रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी 3-4 टीके लग चुके हैं साथ में। अभी ये जो एक्टिवा की पूजा हुई है इसकी येलो लगी है, मंदिर में गए थे रेड लगी, उसके बाद और 1-2 टीके और लगे हैं। तो अब हम लोग फाइनली इधर से जाते हैं, इस वाले पे चलते हैं सामने वाले पे। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस कुछ खाने प्रसाद, तो अभी उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ लेंगे छोटा मोटा, क्योंकि एक्टिवा की जो चाबी है उसके लिए हमें छल्ला चाहिए, और क्योंकि छल्ला है नहीं उस पर, तो अभी हमें छल्ला लेना है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं फिर निकलेंगे। सो गाइस बने रहे मेरी वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और गाइस सपोर्ट कीजिएगा, और गाइस लव यू।